लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सोमवार को वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और उम्मीदवार अब वोटर्स के घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। देश भर की 96 सीटों के लिए होने वाली वोटिंग में बिहार की 5 सीट और झारखंड की 4 सीट शामिल है। बिहार में सोमवार को जिन 5 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, उजियारपुर और समस्तीपुर शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा में चौथे चरण का चुनाव प्रचार का शोर जो थमा है, और आपको बता दें कि झारखंड के भी 4 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर चौथे चरण में वोटिंग होने वाली है। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में चौथे चरण में 5 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, अब उम्मीदवार लोगों के पास डोर टू डोर जाकर मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बिहार में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। जिला प्रशासन के साथ ही निर्वाचन आयोग पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अधिकारी लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की लगातार अपील कर रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में चौथे चरण का चुनावी शोर थम गया है, वोटिंग की तैयारी है, यानी बिहार निर्वाचन विभाग के द्वारा अभी किस प्रकार से तैयारी की जा रही है और इलेक्शन कमीशन ने क्या निर्देश दिया, हम सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव होना है। हमारे साथ एडिशनल सीईओ हैं आनंद शर्मा। सर, किस प्रकार की तैयारी और 5 सीटों पर चुनाव होना है, चूंकि एक के बाद एक जो है बड़ी चुनौतियां रही है, वोटिंग परसेंटेज कैसा रहेगा? नहीं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार काफ़ी अच्छा VTR होना चाहिए। जैसे लास्ट 3 फेजेस के हमारे जो हर फेज वाइज हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से हम लोग आगे की तैयारी और करते हैं। हम लोग प्योरली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इस बार भी। हाउस टू हाउस जितने भी इलेक्टर्स हैं सब पे हमारे फील्ड फंक्शनरीज गए हैं, बात किए हैं, हमारी जो पोलिंग स्टेशन की फैसिलिटीज है उसके बारे में बताया गया है, पोल डेट पोल टाइमिंग के बारे में बताया गया है। DMs ने अपना पर्सनलाइज मैसेज रिटन और ऑडियो फॉर्म में भेजा है रिक्वेस्ट करने के लिए, और इस तरीके से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, अन्य सभी बातों के बारे में बताया गया है। तो VTR का मेरा उम्मीद है कि इसमें फेज 4 में हमारा बेहतर रहना चाहिए, क्योंकि 5 साल में ये मौका आता है और 5 मिनट महज आपको निकालना है। ऐसे में निर्वाचन विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी जो बूथ हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी हों या फिर पोलिंग कर्मी हैं वो शाम से ही कल से जो है मोर्चा संभाल लेंगे। जाहिर है जिस प्रकार से 2019 में वोटिंग परसेंटेज रहा, तो निर्वाचन विभाग हो या जिला पदाधिकारी हो, उनकी कोशिश रहेगी कि वोटिंग परसेंटेज में 2024 में इजाफा हो सके। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।